फैजाबाद की मेयर नूतन राठौर को मीडिया द्वारा सूचना मिली कि जलकल विभाग से बरसात में सूखे हुए सीमेंट की बोरियां एक संजीव अग्रवाल नामक ठेकेदार द्वारा कहीं ले जाई जा रही हैं, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची मेयर द्वारा बोरियों को रुकवाया गया। वह ठेकेदार व ट्रैक्टर चालक को जमकर फटकार लगाई, साथ ही उसको हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया। मेयर के इस कार्य की वहां मौजूद लोगों ने खूब सराहना की। फैजाबाद समेत पारसा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। पानी गिरने का बोरी की गैस निकल जाती है, ठीक है। हाँ नहीं, फिर बेकार है। बेकार है, सीमेंट अगर जम गया तो बेकार है, किसी काम का नहीं है वो, चीज नहीं समझना। मैं गाड़ी लेके आया, उसे बुला। अरे तो यहाँ बोलना ही तो नहीं चाहता कि ठेकेदार किसका है, किसका पार्टनर है, कौन काम करवा रहा है। आपको सबको दम निकलती है सही नाम लेना। मुझे मीडिया से ही एक कॉल प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर जो निर्माण विभाग से हमारे यहाँ पैच वर्क के लिए टीम्स जाती हैं संबंधित वार्ड में, कि वहाँ पर पता चला कि जो ठेकेदार है जहाँ से हमें सप्लाई होता है सीमेंट, वो जमा हुआ सीमेंट जो बारिश के टाइम पे भीग जाता है वो लेके आया था वो व्यक्ति। और जहाँ तक मुझे पता है, अभी जो मैंने चीफ इंजीनियर से बात किया आर के मित्तल जी से, तो संजीव अग्रवाल नाम का एक ठेकेदार है जिसका अभी 10-15 दिन पहले ही टेंडर हुआ है। तो उनका जो व्यक्ति था उसको भी मैंने हिदायत दे दी है कि आइंदा से इस तरह की गलती ना करें, अदरवाइज इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जल निगम के भी कुछ लोग मतलब इसमें मिले हुए हैं, किस तरह से ये बोरियां सप्लाई करते हैं प्राइवेट लोग हैं। जो भी स्थिति है उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही मैं आपको कुछ निश्चित बता पाऊंगी। जल निगम से क्या?